राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भगवा चोले पर दिए गए बयान पर सियासत गर्मा गई है। अब सांसद साध्वी निरंजन ज्योति ने प्रियंका गांधी पर हमला बोला है। निरंजन ज्योति ने कहा कि फर्जी गांधी कभी भी भगवा को नहीं समझ सकती। निरंजन ज्योति ने उन्हें सलाह भी दी है कि उन्हें अपना नाम फिरोज प्रियंका कर लेना चाहिए। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि प्रियंका गांधी भगवा को नहीं समझ सकती क्योंकि वे फर्जी गांधी है। उन्हें अपने नाम से गांधी शब्द हटा लेना चाहिए और फिरोज गांधी लिखवा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रियंका को योगी सरकार से दिक्कत है क्योंकि मुख्यमंत्री अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर रहे हैं। प्रियंका गांधी को यह बात स्पष्ट करनी चाहिए कि क्या वह दंगियों के पीछे खड़ी है। प्रियंका गांधी को भगवा के बारे में और अध्ययन करने की जरूरत है। भगवा रंग ज्ञान और आत्मीयता का प्रतीक है। फतेहपुर से सांसद ने पूछा कि जिन्होंने निर्दोष को पीटा और पुलिस पर पत्थरबाजी की, क्या उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए? ऐसा लगता है कि प्रियंका ने ही उपद्रवियों को भड़काया और उन्हें सड़कों पर उतरने को कहा। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा था कि उन्होंने भगवा धारण किया है। यह भगवा उनका नहीं है। भगवा हिंदुस्तान की आध्यात्मिक संस्कृति और हिंदू धर्म का प्रतीक है। कृष्ण, राम और शिव के देश में हिंसा और बदले की जगह नहीं है। महाभारत में भी श्री कृष्ण ने रण क्षेत्र में बदला लेने की बात नहीं की। बदले की भावना इस देश की परंपरा नहीं रही है। यह देश प्रेम, करुणा और अहिंसा की बात करता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह बात मुख्यमंत्री को समझनी चाहिए। प्रियंका गांधी को अभी भगवा के संबंध में बहुत अध्ययन करना पड़ेगा। भगवा है क्या चीज, पहले उनको अध्ययन करना पड़ेगा। भगवा पहन करके माननीय योगी जी के ऊपर जिस तरह से प्रियंका गांधी ने कटाक्ष किया है, मुझे लग रहा है कि जो लोग नकली नाम लगा करके घूम रहे हैं उनको भगवा में भी वैसे दिखाई पड़ रहा है। भगवा हमारे देश की आन है, भगवा हमारे देश की शान है, भगवा हमारे देश की ज्ञान को वर्धन करने वाला है। ये भगवा वैराग्य का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, समता का प्रतीक है। लेकिन जिनको भगवा के मामले में कुछ जानकारी नहीं, वो जब बोलते हैं तो एक हास्यास्पद विषय हो जाता है। प्रियंका गांधी से मैं पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से, प्रियंका जी, जिनको उकसाया है क्या उनके पीछे तुम्हारा हाथ है क्या? जिन्होंने बसें जलाई, जिन्होंने निर्दोष लोगों को मिला मारा, प्रियंका गांधी नहीं है। ये एक नाम उनको दिया गया था, लेकिन उस नाम का आज मुझे लग रहा है कि इस नाम को अपने उनसे हटा लेना चाहिए। महात्मा गांधी की सोच और इनकी सोच बहुत बड़ा अंतर है। अब इनको सीधे फिरोज प्रियंका लिखना चाहिए। Thank you.
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।